એકલ અભિયાન હેઠળ દેશના વનવાસી સમાજનો શિક્ષણ દ્વારા સર્વાંગી વિકાસ થાય તે માટે છેલ્લા 27 વર્ષથી કાર્યરત વનબંધુ પરિષદ દ્વારા એક સાંસ્કૃતિક અને દેશભક્તિ કાર્યક્રમ ભારત કે રંગ એકલ કે સંઘનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં વિવિધ પ્રાંતોમાંથી આવતા વનવાસી સંસ્કૃતિને પ્રસ્તુત કરવામાં આવી હતી। सूरत में कार्यरत वन बंधु परिषद द्वारा एक सांस्कृतिक अने देशभक्ति कार्यक्रम भारत के रंग एकल के संघ नी मनमोहक रजूआत कुमार ऑडिटोरियम पाल खाते करवामां आवी हती। आ कार्यक्रम ना तमाम कलाकारों संस्थाना कार्यकर्ता छे अने देशना विविध प्रांतों माथी आवता वनवासी समाज माथी आवे छे। एकल सुरताल आ प्रख्यात टीम छेल्ला वर्षों में अमेरिकाना 30 प्रांतना 60 थी वधु शहरों में भारतीय संस्कृति अने देशभक्ति थी रंगायेला नृत्य नाटकोनी प्रस्तुति करी हती। आ कार्यक्रमनो मुख्य उद्देश्य शहरी लोकोने वन निवासी समाज में अने संस्कृति साथे माहितगार करावी अने वनवासी समुदाय ने शिक्षित बनावी राष्ट्रना मुख्य प्रवाह में सामेल करवानो छे। સંસ્થાના વરિષ્ઠ સભ્ય અને ચેપ્ટર યુથ મેન્ટર નારાયણ પેડીવાલે જણાવ્યું હતું કે એકલ અભિયાન હેઠળ દેશના 1 લાખથી વધુ જંગલમાં વસતા ગામોમાં એકલ શાળાઓ ચલાવવામાં આવી રહી છે। શિક્ષણની સાથે સાથે ગ્રામ ઉત્કર્ષ વિવિધ યોજનાઓ દ્વારા જંગલમાં રહેતા યુવક યુવતીઓને તાલીમ આપી ગામમાં જ સ્વરોજગાર માટે સક્ષમ બનાવવામાં આવી રહ્યા છે। જંગલ વિસ્તારમાં સ્વાવલંબન થવાથી સમાજની આર્થિક સ્થિતિ સુધરી રહી છે અને ગ્રામીણ યુવાનો સ્વનિર્ભરતા તરફ પ્રયાણ કરી રહ્યા છે। મેરા નામ શ્રી નારાયણ પેડીવાલ હે। મેં FTS ફ્રેન્ડ્સ ઓફ ટ્રાઇબલ સોસાયટી સુરત સંસ્થા કા મેમ્બર હું ઓર યહાં હમારી જો યુવા ટીમ હૈ એકલ યુવા FTS યુવા ઉસકા મેં મેન્ટર હું। તો આજ હમારા યે પ્રોગ્રામ એકલ સુરતાલ ભારત કે રંગ એકલ કે સંગ યે સંજીવ કુમાર ઓડિટોરિયમ મેં હૈ। और हमारी संस्था का एक छोटा सा परिचय मैं दे दूं। हमारी संस्था 1989 में शुरू हुई थी और इसका मेन उद्देश्य था भारत के जो छोटे छोटे वनवासी क्षेत्र हैं जहां पर शिक्षा का अभाव है, तो उन बच्चों को शिक्षित करने के लिए हमने ये अभियान शुरू किया 1989 में। और आज 35 साल हो गए हैं तब से ये हमारा अभियान निरंतर चलता आ रहा है। शिक्षा के क्षेत्र से शुरू हुआ अभियान अब हमारी पंचमुखी शिक्षा के अंदर परिवर्तित हो गया। तो पंचमुखी शिक्षा के अंदर हम एक बच्चों को जो प्राइमरी एजुकेशन देते हैं, फिर इसके अंदर संस्कार शिक्षा, इसमें स्वास्थ्य शिक्षा, इसके अंदर उनका स्किल डेवलपमेंट और जागरण शिक्षा, ऐसे हमारी पंचमुखी शिक्षा के तहत ये अभियान चल रहा है। और आज इसी अभियान का प्रचार प्रसार और लोगों को शहर के लोगों को इस अभियान के साथ जोड़ने के उद्देश्य से हमने यहाँ एक एकल सुरताल का प्रोग्राम रखा है। इस प्रोग्राम में ये प्रोग्राम भी हमारे जो वनवासी क्षेत्र के बच्चे हैं जिन्होंने संस्कार शिक्षा इस अभियान से सीखी है, वो हमारे 14 लोगों की टीम आज यहाँ पर आई हुई है जो पूरा प्रदर्शन यहाँ पर करेगी। और ख़ास बात यह है कि ये हमारे बच्चे जिन्होंने US में वहाँ जाकर भी एकल अभियान के बारे में लोगों को जानकारी दी और संस्कार हमारे जो भारतीय संस्कृति है उसके साथ में लोगों को जोड़ा, और उन्होंने वहाँ पर 30 से ज़्यादा शहरों में 60 से अधिक प्रोग्राम वहाँ पर किए। आज हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य मेहमान मुख्य अतिथि के रूप में सूरत शहर के पुलिस कमिश्नर गहलोत साहब उपस्थित होने वाले हैं। और यहाँ सूरत शहर के बहुत गणमान्य नागरिक और इंडस्ट्रियलिस्ट वो लोग भी आज इस समारोह को देखने, इस हमारा जो सांस्कृतिक प्रोग्राम है उसको देखने के लिए आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट H24 न्यूज़ सूरत।